अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। वो जमाना अच्छा था जब मिल बैठकर हर मसले का हल ढूंढ लिया जाता था। अब तो मिल बैठकर सिर्फ साजिश ही तैयार होती है। गांव में जब पंचायत लगा करती थी तो उसमें हर उम्र और हर तबके के लोग शिरकत किया करते थे और उनकी गवाही और उनकी राय की बहुत ज़्यादा अहमियत हुआ करती थी। अक्सर तो पंचायती मसला सुनते ही उसके जड़ तक पहुँच जाते थे और किसके हक में फैसला देने से कम नुकसान होगा ये सुनकर खामोश हो जाते थे। मेरी ये बात 100% गैर सियासी है। अक्सर कम गवाहों वाला जीत जाता है और ज़्यादा गवाहों वाला हार जाता है और मेरी इस बात का कराची की सियासत से तो कोई भी ताल्लुक नहीं है। गांव की पंचायत में इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज चौधरी साहब की हवेली में भी एक पंचायत हो रही है, हो सकता है हमें भी कुछ सीखने को मिले। आइए चलते हैं। चौधरी साहब, जोड़ीदार कहाँ है आज आपका? अम्मा ही तो पूछ रहे हो। तो और क्या? अम्मी गई है मेले थे। अकेली अकेली आप नहीं गए? मेरी माँ है शेरनी, वो जिथे भी जाती कल ही जाती। असि सालाना मेला कराते हैं अपने पिंड। अच्छा, रौनक लगी है। तो आप क्यों नहीं गए? असि हो के आए हैं दोनों, पहले वो आए सी। अच्छा, उंज भी बिना जी साड़ी रौनक तो यही नहीं ना, जो घर च रौनक हो फिर मेले च की करना है। और आपकी रौनक तो मौसमों की तरह आती जाती भी रहती है। चौधरी साहब ने कह दिता है कि हुण मौसम नहीं बदलना। तो पक्के कॉलो करार हो गए? हाँ जी। बिना जी मैं तुम्हें गल दसा, मैं अरबियों की ना एक गल तो बड़ा मुतासर हो। क्या? कि चार बीवियां और मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया उनका। नहीं, प्यार ऊंट नाल ही करते ने। ओ इंज सुन लो, ओ मेरा प्यारा जना छोटा जा ऊंट, हुन प्यार है नाल ही। वैसे भी वीना जी सुनिया नहीं तुसी, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ज्यादा बंदे जुतियां मार देना उन्होंने। आप तो परवीन शाकिर से मुतासर लगती हैं। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस ये बात है अच्छी मेरे अरजाई। सिर्फ शेर अरजस करना सी, और कोई गल नहीं। वैसे चौधरी साहब, आप जैसे इंसान की फितरत इतनी जल्दी बदलती तो नहीं है? असल तो फातिमा जी गल पता की है कि बीवियां पावे तो नहीं पांच हो तो पावे चार हो, काम तो आप नहीं करना पैंदा। चौधरी साहब तुहाड़े सारे काम कर दिया। नहीं नहीं, तेरे यही तो गल है, स्टॉप किया क्यों है? जिथे सारी ख्वाहिशा पूरी हो जाए। देखो ना, पहली रही ना, दूजी रही ना, तीजी रही, मैं ही रही ना। ये इतना घुमा फिरा रहे हैं बात, आपको कहना ये चाहिए कि बीवी एक ही होनी चाहिए और उसी के साथ अंडरस्टैंडिंग, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, सब कुछ उसके साथ होना चाहिए। ए, मैं क्यों कहवा? क्यों ना कहवा? हो सकता है मैंने यू टर्न लेना पै जाए। बाद जो कहता फिर मेरे बयान को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। करोड़ नहीं, तोड़ मरोड़। चौधरी साहब। हाँ जी। हुण नहीं बस, ज्यादा बीवियां आन ना ना तुहाडी बनाइन लभदी, ना तुहाडा पता हुंदा कि तुहाडी जुत्तियां कित्थे पईआं, तुहाडी टाइयां कित्थे पईआं ने, रजिस्ट्री कित्थे पई है। बंदा एक नूं पुछदा मेरे बनाइन कित्थे, कहिंदी छोटी नूं पुछो, छोटी नूं पुछो, कहिंदी मेरे तो वड्डी नूं पुछो, वड्डी नूं पुछो, कहिंदी ओहनूं पुछो। मैं सारा दिन घर पैदल ही फिरदा रहा। वाह, चलो भटक भटक के मंजिल पे तो पहुंचे आप। ओ सुनिया नहीं, भटक भटक के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ आए। चौधरी साहब। हाँ जी। डोरे पाण वाले हजे भी बहुत बैठे ने, पर मैं तुहाडे तो राजी हां क्योंकि तुसी मेरे नाल कीता वादा जो पूरा कर रहे हो। वो शायद आपने सुना नहीं है कि प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। हाय लैदा की मतलब? पता नहीं की प्रॉमिसेस आर बैन गेस द बॉक्स, पता नहीं की कहता है। आसान उर्दू में इसका मतलब यह है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। पर वो वादे चौधरी साहब ने नहीं किते होने ना। हां ए गल है, चौधरी साहब मिट्टी पोए ना ते मेनू ए दसो कि हुण असी शादी दी सालगिरह, मेरे पैदा होण दी सालगिरह, असी सारी सालगिरह मनावा करांगे। सारीयां मनानी? मैं पता की है सोच रहा कि शादी सालगिरह ना इस वारी ना स्विट्जरलैंड मनाई है। ओए होए होए, अब उते बहुत ठंड हुंदी है। उते ठंड हुंदी नहीं, इंतजाम ही हुंदा है। ए कोई इत्थे वाला सिस्टम नहीं कि ठंड है ते इंतजाम कोई नहीं है, नाल हमसाया को रजाइया मंग रहे मेहमान आ गए ने, वो वाला सिस्टम नहीं है। चौधरी साहब, तुसी मेनू एनिवर्सरी गिफ्ट की दोगे? ऐसे तेनू गड्डी लेके देनी है। चौधरी साहब, मैंने तो गड्डी चलानी नहीं आंदी। मैं पागल हो ड्राइवर रख के दे सर, तू पिछे बैठना, चौधरानी चलानी चंगी लगती है। चलो चलो। चौधरी साहब, मेनू टेंशन हो रही, तुहानू नजर ना लग जावे। इतनी मोहब्बत थी आप दोनों में, तो ये चौधरी साहब बीच में भटक क्यों गए थे? चौधरी साहब इंसान ने, हुन डोरे पाएगा कोई बंदा टगमगा ही जांदा है ना। कौन डाल रहा है डोरे चौधरी पे? ए देखो भला, छड़ दे, मैं तो सोच रहा इतो हवेली शिफ्ट कर जाइए, दो मिनट सन प्यार दी गल्ला करने दे विच सवाल दे तेरे दी, दे तेरे दी। चौधरी अपने गांव और अपने घर पर ध्यान देगा, अगर किसी के दिमाग में चौधरी का स्केच चल रहा है तो उसे प्लीज डिलीट कर दे, चौधरी इससे आगे कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसकी मियाद खत्म हो चुकी। मैनू एक गल दी समझ आ गई कि मैं सारी जिंदगी शादियां च रोलती है।
अपने पिंड का कल्चर और अपने पिंड की फलाह बहबूद वास्ते कोई काम किया ही नहीं। बड़ी देर में समझ आई, चलो आई तो लिहाजा उन्हें सर्व करती अपनी जिंदगी अपने पिंड लई ते अपनी जान लई। अगर किसी के दिल उनको ख्वाहिश है होंगे ना कि भाई कभी चौधरी की जिंदगी इंटर होवांगे। इतने बड़े मुंह के साथ खुशफहमियां अच्छी नहीं होती। चलो कोई गल नहीं, दिमाग च गल जाती ही नहीं कि इतना बड़े मुंह के साथ यही गल होंगी है। बस नॉन स्टॉप फुल स्टॉप खत्म, मेरी जानू मेरी जिंदगी यही हम सब कुछ मेरा है। अम्मी कुत्ता मैनू रखा लावे कितने की होया अम्मी मैनू खड़ खड़े भरोले च वाड़ दे होया की है फॉर अ चेंज। मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि ज़ैलदार नहीं डरी हुई है। मेरी माँ जिंदगी नहीं डरी, वे पोता च डर गई होया की बैठो बैठना नहीं मैं अगे चरचाई पा दे। क्यों आज शेर को सवा शेर मिल गया? मैनू माई क्या मैनू गुस्सा चढ़ गया। मैं कढ़िया पिस्तौल मैं कीते फैर फैर बज गया उसे एक बंदे नू सातो भी तगड़े आ पुत पुलसा तो वार तेरी मां पिछे चढ़ी आ मैं मेनू कि लका ला बे। अम्मी ये दस बंदा मरिया तो नहीं मैं सामभ लांगा। मैं पुत उड के वजा भगूड़े च पिछे डिग गया। हाय हाय हुण ते अम्मी जी नू असीं जेल च मिलांगे। तगड़े बंदे बंदूका लैके पुलसा लैके तेरी मां पिछे चढ़े आ। ओ तो मैं घोड़े ते बलाकी मार के चढ़ी दगड़ 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 इथे आके उतरी। ज़ैलदार ने आपको सूझी क्या थी कि इस उम्र में पंगा ले बैठी हैं आप? नी काकी ओनू की सूझी सी जेड़ा मैनू पूरे मेले च कहिए नहीं माई डियर माई डियर कहा था उसने। और की बुजुर्ग को माई डियर कहना अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी। बुरी बात है साडे च नहीं है ना। तो अम्मी सीधा फेर मारना सी ओनू। बे मैं ते पैरां च मारे उपर क्यों ते बाह च वज्या। मां मैं हां ना तू पिस्तौल फा मैं तो अपने हाथ ला देना पता मैं फैर किया। वे पत भाई तेन जेल नहीं जान देना, मैं एक अद्धी नौ अंदर करा देंगी। अम्मी मैं कहना अपनी उस नौ अंदर करा और जी सीख नहीं गई शहर एक्टिंग सुने उन्होंने स्कूल भी बंद कराता सू। ऐसा भागा वाला पैर पिया उन्होंने अकैडमी भी इतों चुकी गई। भाई मैं कहना ऐसी मनूस औरत मैं जिंदगी च नहीं वेखी। जेल चूरी आया करेगी। जेल च तू सस भेजन नहीं कर रांझा भेजन दई। ये आप दोनों ने एक दूसरे को स्पॉइल किया। एक मिनट वेख लांगे तुसी टेंशन ना लवो। वड्डा गेट बंद करा दे बाहरों। ये इतनी बहादुरी के जो आपके चर्चे थे आज तो आपने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। इतनी डरपोक हैं आप। काकी तू समझती नहीं मैं हूं कितने जवान नौ छड़ के जेल चली जावा। घबरा घबरा नहीं नौ का ख्याल रखने वाले वो है ना पीछे। हाय अल्लाह हुन जे साडे महल्ले च कुछ हो गया ते फेर कौन छड़ेगा? मेनू होर फिकर पई है। मेनू ये फिकर पई है कि अम्मी नू जेल ना हो जावे। हाय हाय चौधरी साहब मैं तो सुनिया कि जेल च सवेरे सवेरे उठा लेंदे ने। मेरी मां को कसम चुकवानी उन्होंने सवेरे सवेरे उठा लेंदे ने। जेल च चक्की पीसनी पैंदी है। नी काकी सोच तां सही इस उम्र चक्की पीसनी पै जे। इस उम्र में फायर कर सकती है तो चक्की भी पीस सकती है। बी ब्रेव ज़ैलदारनी। हुण मैनू घर च ताने कौन मारिया करेगा चौधरी साहब? फिकर ना कर तू मेरी मुलाकात ते आएंगी ना मैं तेरा घर उत्थे पूरा कर दिया करा। अम्मा जी मैं तो सुनिया जेल च ठुड्डा मार के उठांदे ने। उत्थे जेल च रोनाल्डो फिरन देगा। बात फैल गई है। अच्छा कौन है? अच्छा जी अच्छा है कौन है?
अम्मी जेल ही जाना पैना। मैं तेरी मां वा को प्रवेश लाई नहीं, मैनू जेल भेजी जाना। नहीं 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 कोई टेंशन नहीं, वो कहंदा मेरे वाकफकार ने बह के गल कर लेंदे हैं। अरे कुछ करेगा तो वकील करेगा, चौधरी क्या कर लेगा जिसको आपने बुलाया। पिंडा च पंचायतां बह के कतलां दी गल्लां मका देनियां। ओह यस, मैनूं नहीं पता काकी तू शहर ना। मैं कहंदा पिंड दी गल पिंड च रह जावे ते चंगी गल, इत्थे मका लेंदे आ। दुकान बंद कर दो। बंदे बड़े अथरे ने जिहदे ते बेबे ने गोली चलाई है। अच्छा मैं ये दसो अपना परली अख मेरे करो ना। हाँ जी कि वो बंदा मरिया तो नहीं है गाना। ओए मैनू भी हजे तक चौधरीया नहीं पता वो बंदा मर गया कि जूंदा। गल पता की कोई लै दे के अगर काम मुकदा होया ठीक है, अगर मुरब्बा जमीन का भी जाता तो मैं जाना करदा। पुत मुद्दा तो लुकाओ कि बंदे बड़े अथरे ने चौधरी, बंदूक लैके मगर चढ़े ने बड़े गुस्से च ने। मैं उन्होंने फिलहाल बाहर बिठाया। एडे असी भी माड़े नहीं चौधरी, कमाल पे करते बंदूक लैके चढ़े ने। हौली बोल सो लिया मां पिस्तौल मैं फड़ा। मैं नहीं बे फिर जिंदे मरदे ने मारदे हैं हुणे ही। जिहड़े इक मरे ओह बाजे पहले। फिलहाल उन्होंने मैं दो सोडा पिया के ठंडा किया। चलो तुहाडी दिहाड़ी तो लगी ना। कौन पुलिस? ओ पुलिस चुप क्यों रही हैं आप? और तेल चो मैं बाहर। आ जाओ सर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम यहाँ एक मुजरिम के लिए आए हैं। नहीं साढ़े तो किसी बच्चे की लड़ाई हुई नहीं। बच्चों की पुलिस नहीं। ओए बच्चों की नहीं, वो मुख्तारे का मुंडा है, अपना बच्चा ही है। आप सर्च करो। जी सर एक मिनट ठहरो, एक मिनट सर ठहरो। देखो मेरी वालदा को फायर होया, गलती हुई है उन्होंने को, वो अपनी गलती एडमिट करते ने, वो कहते जी हो गई है। ये तो अदालत डिसाइड करेगी, लेकिन वो है कहाँ? भाई वो लइए ना अपनी छोटी बेटी अल गई है। ए मेरा ताया हैगा ते बस बीमार हैगा, अंदर पीछे बैठा है। वो जो जेलदारनी है ना, वो जेलदारनी है मेरी वालदा है। हाँ जी वो इस टाइम नारायण तक आगाम गया है। अच्छा वो फायर करते फौरन नारायण का गांव चली गई। नहीं असल ते उन्होंने ये पता नहीं कि मामला इतने तक पहुंच जाएगा। बड़ी कोई मुतमईन कातिल है। बंदा मर गया? बंदा नहीं मरा, लेकिन उन्होंने तो फायरिंग की है ना। वे अल्लाह का शुक्र है बच गया। मैं मेनू कद नहीं लुकड़ दी लोहड़ा। अमी नारायण का गांव तो कदों आए हो? अच्छा बैठो सर बैठे तशरीफ रखे। गल अपना एस एच ओ साहब जी, मुदई जड़े ने अगर साड़ी उन्होंने गल मुक जाती है तो फिर थाने आने की तो लोड़ ही नहीं है। चौधरी साहब मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये तो मुदई बाहर है, अगर वो कोई फैसला करे शहरोज बुलाओ उन्हें। ओके सर। पंचायत अम्मी हम तू कोई गल नहीं करनी, बस तू अपनी गलती माननी है। जुर्म किया है चौधरी तेरी मां ने तो सजा भी पूरी मिलेगी। चौधरी साहब बैठो चौधरी। कोई नहीं आपस की गल है। चौधरी साहब पंचायत से जो फैसला होगा, लेकिन बेटा तू बाद मंगना ही जाओ। मेरा भरा है तो गोली बजी है। चौधरी साहब बैठो तशरीफ रखो। बैठो पुत्रा। अम्मा गोली तो वेख के मारी सी, जे मारनी सन इन्हें पांच सत ही मार दें। पर मेरा ख्याल मेरी गोली उन्होंने वजी नहीं, कि तो कोई ठीकरी नहीं वजी, वो उभर के उन्होंने वजी है। गल है वे वड्डियां दा भी मूँह मारदा है। सानू भी तेरे वड्डियां दा मूँह मारदा पुत, तू मैनू पछाणिया नहीं? मैं जैलदार दी चौधरी दी बीवी है, तू नथू दा पुत है ना? हाँ मैं नथू दा पुत। भुल गया तुसीं अपनियां कातां पुराने तालुकात, थोड़िया जमीन बंजर होंदिया सी है। मां इथों ट्रैक्टर भेजे, इथों मैं खादा भेजिया। मैं कहा चल नथू मेरा भरा लगता, फुफी दे घर पुलसा लैके आ गया। इसे गल का तो मैनू दुख मार गया जैलदारनीए, तां ही ते अपने भरा नूं इत्थे पंचायत च लै आया। वे तेरा प्यो बिश्ती जीउंदा हुंदा नथू, उन्हें इतने गेट से कहना ही मेरी लाश तो टप के मेरी भैन के घर पुल जाएगी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तू देख मैं तेरे सारे भरा देखे है, जो मर्जी हो जाए मैं अपने भरा का बदला लेना है। एस एच ओ साहब तुहाडे सामने सब कुछ है, जैलदारनी नूं गिरफ्तार कर लो। एक मिनट चौधरी एक मिनट, गल हैगी मैं दो मुरब्बे तेरे भरा दे नाल आंदा, हालांकि मूंह दा मरले वाला भी नहीं हैगा। ये गल नूं इत्थे मुकाओ। और सानूं दो मुरब्बियां दा लालच दे रहे हो, ये ते असीं अपने कामियां नूं दे देने आ। ये तू नथू दा मुंडा क्या बानी दा मुंडा?
ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਮੁਰੱਬੇ ਦਵਾਣ ਡਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹਰੀੜ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ ਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਠ ਮੁਰੱਬੇ ਵਿਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾ 20 ਮੁਰੱਬੇ ਲਾਨਾ ਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਵੇ 20 ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਕੇ ਭਵੇਂ ਮੈਂ ਨੂੰ 8 ਵਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬੇਬੇ 200 ਟੱਕ ਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਫਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੀ ਸੁਲਾ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਆਖੇਗੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਏ ਦੱਸੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਮਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਵਾਓ ਓਏ ਜੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਲੈਣ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਮੁੰਡਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ ਬਚਾਣੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਰੱਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗੁੱਡ ਓ ਪੂਰ ਗਰਲਸ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਠੁੱਡੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਉਹ ਚਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਇੱਕ ਅਗਰ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਸੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਤੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਸੋ ਐਵਰੀਵਨ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਮਸਤੀਆਂ ਐਂਡ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਸਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਦੋ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੈ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਔਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਮੇਂ ਤੋ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਕੇ ਸਾਥ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਯਕੀਨ ਕੀਜੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਤੋ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਕੋ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਜੈਸਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ ਜੈਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਲ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਕੋ ਗੋਰਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਢੂੰਡ ਲਿਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੇਂ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਸਾਤ ਦਿਨ ਮੇਂ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਂ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਦੀਵਾਰੇ ਕਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਡਮੀ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰੀਮ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਔਰ ਸਾਥ ਹੈ ਉਨਕੀ ਮੁਤਾਸਰਾ ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਆਈਏ ਉਨਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਸਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕਾਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੂਰ ਕਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਅਗਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਗਰ ਬੂਤ ਪਹਿਲੇ ਦਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਆ ਪਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ 1000 ਲੂਟ ਸੇਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ 150 ਰੁਪਏ ब्यूटी क्रीम्स का मर्दों से क्या ताल्लुक है वो जी हम जो पफिंग करते हैं ना उसके बाद ना चेहरा थोड़ा खराब होता है तो क्रीम जरा लगानी चाहिए वाइटनिंग क्रीम में लगाते हैं आप देखिए वाइटनिंग क्रीम तो बहुत सारे यहाँ के हीरोज लगाते हैं आप वो नहीं लगा सकते एक्सक्यूज मी मोहतरमा प्लीज क्या हुस्न पर सिर्फ खवातीन का हक है नहीं सबका हक है हुस्न पे लेकिन ये जो आर्टिफिशियल किस्म का हुस्न है ना मेरा ख्याल है मर्द हजरात इसे अवॉइड ही करते हैं राइट नहीं वीना मेरा तो ये कहना है कि जहाँ से हुस्न मिले खरीद लो क्या अच्छी बात कीती है मोहतरमा ने क्या अच्छी बात कीती है अगर नहीं थोड़ी सही ब्यूटी थोड़ी ननान थोड़ा खामन थोड़ी सच भी तो रूठी ₹150 दिस इज अ टेरिबल टैगलाइन कि अगर आपका रंग सांवला है तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते And literally, this is the tagline जो multinational companies जो beauty products बनाती हैं वो ये tagline इस्तेमाल करती हैं उन्होंने तो beauty products use किए हैं इनकी आपको क्या हुआ है
मैनू की नहीं होया एदा बेड़ा गर्क होया एदा रवे कख ना एदियां क्रीमां लाईयां ने मर जाना खरे कित्थों आ गया खवातीन मेरे को क्रीम खरीदने दे पर तरीका इस्तेमाल नहीं पूछते क्योंकि एदा एक तरीका इस्तेमाल है क्या तरीका इस्तेमाल मेरे दोस्तों एक क्रीम लाने तो पहले तुहानू अपनी डाइट तब्दील करनी पैगी भाईजन मेरे क्रीम लाने तो पहले तुसी एक सेब दो केले ते नाल दूध दा गिलास पीना डाइट का क्रीम से क्या लेना देना ये एक्सटर्नल यूज की चीज है तुहाडी डाइट तब्दील होएगी ते तुहाडी शक्ल तब्दील होएगी ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੋ ਕੇਲੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਉਹ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਆਪਕੀ ਕਰੀਮ ਕਾ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਮੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕਾ ਮਿਨਰਲਸ ਕਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਾ ਫਰੂਟਸ ਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਕੀ ਸਕਿਨ ਅੱਛੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖੁਦ ਪੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਈਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟੁੱਟ ਪਏ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ 150 ਰੁਪਏ ਮੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਮੇ ਆਪਕੋ ਕੁਛ ਬਚਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਔਰ ਜਿੱਡੀ ਦੌਰ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰੀਮ 700 ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ अच्छा ये कब से कारोबार कर रहे हैं करीमों का ये सड़क खानदानी काम है दरअसल दरअसल तो एक करीम बना रहे मेरा दादा बनाता सी फिर मेरा प्यो बनाता सी हूं मैं बनाना अगो मेरे बच्चे बनाएंगे और खूब बिक भी रही होगी क्योंकि पाकिस्तान में दो ही तो मसले हैं काला रंग और काला धन काले धन पे तो फिर एमनेस्टी मिल जाती लेकिन काले रंग से तो खुद ही लड़ना पड़ता है ऐसी क्रीमों के साथ तो बाजी अब क्या आप इनसे पैसे वापस लेना चाहती हैं मैं न को पैसे ले नहीं क्योंकि जिस पास से मैं क्रीमा बेचता हूँ वो ये कनेक्टर है मुझे ये बताइए कि आप पुलिस वाले और साफियों को क्रीम क्यों नहीं बेचते पुलिस वाले नु क्रीम बेचिए सारा दिन तुपे फिर देने साड़ी क्रीम असर ना करे साड़े ते पर्चा कर देने कौन जिम्मेदार है अच्छा बीना पिछले दिनों एक खातून थी जो कि चार क्रीमें मिक्स करके बेच रही थी और वही क्रीम मेरी एक दोस्त ने परचेज करके अपने फेस पे लगाई तो उस बेचारी का पूरा फेस बर्न हो गया था एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि बहुत सारी ऐसी क्रीमें होती हैं जो डायरेक्टली स्किन की कोई बीमारी होती है कोई डिजीज होती है उसको एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है लेकिन वो आप डॉक्टरी नुस्खे के बगैर नहीं खरीद सकते लेकिन सच अ टेरेबल सिचुएशन कि हमारी सोसाइटी में आप वो क्रीमें बगैर डॉक्टरी नुस्खे के भी खरीद सकते हैं जैसे सपोज हम एक्जिमा के मिसाल लें ये एक ऐसी क्रीम है जो कि सर्टन स्किन की कंडीशंस को एड्रेस करती है लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि आपकी स्किन जो है वो उससे वाइट हो जाती है yes. तो लोग क्या समझते हैं कि भाई ये वाइटनिंग क्रीम है और उसको ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं विच इज़ एक्चुअली डेंजरस और बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि अक्सर सैलॉन्स के ऊपर भी 6-7 क्रीम्स मिक्स करके एक फॉर्मूला बना के देते हैं वो तो स्किन के लिए इतनी खतरनाक है आपकी स्किन को पतला कर देती है क्योंकि उसमें मर्करी की तादाद सबसे ज्यादा होती है और सस्ती होती हैं ये क्रीमें और आम अवेलेबल भी होती है और रिजल्ट उसका ये होता है कि जब तक आप इस्तेमाल करते रहते हैं वो क्रीमें तो आपकी स्किन बड़ी फेयर नजर आती है वाइट नजर आती है लेकिन जो ही आप उसका इस्तेमाल बंद करते हैं ना तो उसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि स्किन में जलन पैदा शुरू हो जाती है बर्न्स होते हैं मार्क्स आ जाते हैं पिंपल्स निकल आते हैं आप बात कर रही है कि डॉक्टर से पूछे बगैर हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि अगर किसी को फायदा हुआ है ना तो वो बगैर नुस्खे के उसको दे देते हैं कि आप इस्तेमाल करो और फिर इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब आप अप्लाई करते हो इस तरह की क्रीम तो आपके जो मसाम होते हैं वो खुलते हैं थोड़ी देर के लिए उसके अंदर वो वाइटनेस थोड़ी सी चले जाती है आपको लगता है मेरा रंग हो रहा है लेकिन वही चीज बाद में सिस्ट के तौर पे भी सामने आती है मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन्होंने आपको मजबूर तो नहीं किया था ना आपने अपनी मर्जी से ही क्रीम्स यूज की थी मजबूर बाजी किसे ने कोई नहीं करता हुंदा अच्छा सब तो पहले ने मेनु मुतासर किया कि मेरी क्रीम चंगी है बातों से या कुछ चेहरे दिखा के असी औरतां वा साडी अकल गुत पीछे हुंदी है लोकी कहंदे ने खावत सराणे दा सप हुंदा मेनु ते क्रीम वाला जेड़ा सराणे दा सप लगा बाजी मेनु क्रीम वापस कर दे पर सप नु ये सजा ना दे तेरे सराणे बैठा होवे जो स्किन खराब हो गई है अब आपके पास कोई इलाज है कोई क्रीम है मैडम मेरी क्रीम ओ चेहरे ठीक कर देने जेड़े बाय बर्थ खराब होए तो फिर आप अपने भी मुंह पे थोड़ी सी लगा लें ओ इन्होंने लाई सी साइड इफेक्ट कर गई रंग नहीं चिट्टा होया नाक बड़ा हो गया वैसे गर्ल्स मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगी कि इस तरह की क्रीमों से आप बिल्कुल दूर रहें लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका कम्प्लेक्शन फेयर हो जाए तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं बिना लड़कियां सिर्फ पानी का इंटेक ही अच्छा रखें तो उससे भी स्किन अच्छी रहती हाँ पानी का इंटेक उसके बाद कुकम्बर है लेमन है मिंट है बीटरूट इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए अच्छा मोहतरमा आप भी इसी तरह की क्रीम्स यूज़ करती हैं बट आई सी यू आर सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मतलब कितने अरसे से इस्तेमाल कर बिना एक दौर था कि मेरे घर बहुत सारे रिश्ते आया करते थे लेकिन मुझे ठुकरा के चले जाते क्यों आई वाजंट सो ब्यूटीफुल ओह रियली फिर एक दौर आया वीना कि मेरे घर के बाहर रिश्तों की लाइन लग गई वीना इस औरत को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए सिर्फ क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए ये हिम्मत भी हारदी रोज ताश खेल के पैसे भी हारदी दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप जो है ना पेड मॉडल है इनकी आपने ये सेटिंग की हुई है कि आप टीवी पे बैठ के ना इनकी तारीफें करेंगे भलाई का जमाना ही नहीं रहा इनका तो कर दिया आपने बहुत ज्यादा नुकसान अब कॉम्पनसेशन कैसे करेंगे मैडम मेरी क्रीम लाने तो बाद मुंह तोड़ तो बाद मुंह तोलिए ना साफ करी दे तो तोलिए से ही करते हैं मुंह तोन तो बाद मुंह तो रेग मार मारेगी तो मेरा इस क्रीम वाले का की कसूर है मैं वर्कशॉप में मुंह धोता है
अच्छा जी अब होगा क्या, इनका रंग कैसे ठीक होगा, बताया नहीं आप। तो अगर चाहनी है कि तू खूबसूरत हो जाए तो ऐसे बंद रोड से ट्रकों दी बाडियां तो रंग कर देने, उन्होंने मुख्तलिफ टैटूज बढ़वा ले। ये लोकली बिकती है क्रीम या कोई इंटरनेशनल भी क्लाइंट्स हैं आप? माइकल जैक्सन का नाम सबने सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माइकल जैक्सन ये पहली वीडियो में क्यों नहीं है तुसी? जी। इस खातून तो भी बुरा वो डार्क कम्प्लेक्शन में भी बहुत अट्रैक्टिव था। दुनिया के हर डॉक्टर को अपनी सर्जरी कराई पर उन्हें कोई फर्क नहीं पाया। सही बात। फिर ओदे बांदर ने ओदे कन विच दस्या पाकिस्तान विच डॉक्टर प्रोफेसर नूर नु बुला। अच्छा। ओने मेरा वीजा लवाया। जेड़ा बांदर दे कहण ते इलाज कराउंदे ओने घटा ते सुभा करना। फिर आप माइकल जैक्सन के पास गए? फिर मैं माइकल दे कोल गया। जदों मेरी क्रीम लान तो बाद माइकल चिट्टा होना शुरू होया, खूबसूरत होना शुरू होया, ते ओबामा दा फोन आया। बुराई का तो जमाना ही नहीं है। ओबामा ने क्या माइकल की गल है, मुंह ते आजकल बड़े चानन आ रहे ने। उन्हें क्या पाकिस्तान तो एक हस्ती आई है जेडी 150 दी क्रीम लेके आई है। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियां। और अब वक्त हुआ है म्यूजिक का। जी नहीं, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शंस का। नवी आइटम लेके आना। आप तो रेडी बैठे होते लड़ाई के लिए। अच्छा, झगड़ा नहीं करना। ऑडियंस बैठी है, अगले कहेंगे कि आंदे आपस से लड़ पेंदे ने, ठीक है ले करें इंटरेक्शन। बिना अब तक जितने भी ड्रेसिंग आपने की है ना, मुझे ये पसंद नहीं आया। प्रिंटर तो फट्टा खराब होया होता है। नहीं, कभी हम लड़कियों ने आपकी ड्रेसिंग पे बात की है? एक तो बात ये है कि ग्रुप ना बनाना कि हमारे पास भी एक लड़की बैठी है। नहीं नहीं नासिर भाई, मैं बंदा हूँ पूरा। पूरा टेंशन नहीं लेना। आप उन देख लेगा इन्हें। पाजी तुसी मैं दसा ही नहीं गा। मैं भी कह रहा कि सर लेडीज बैठी हुई। लेडीज कल मैं मेकअप रूम च देखा, मुछा नू वट दे रही सी। ऑडियंस बेचारी आज वेट ही करती रहेगी। ओ थैंक यू काशा, आपने याद दहानी करा दी मुझे। हमारे साथ आज हमारी ऑडियंस भी है और ऑडियंस के पास है हमारे लिए सवालात। पहला सवाल किससे करेगा और कौन करेगा? जी प्लीज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी मेरा नाम आफताब है और मेरा सवाल है अयूब मिर्जा साहब से कि आप एक्टिंग से ज्यादा गुलूकारी अच्छी करते हैं, तो आप गुलूकारी क्यों नहीं करते? पेशेंट, गुलूकारी मेरा शौक है और एक्टिंग मेरा पैशन। एक्टिंग के पेशेंट है। गुलूकारी तो इनका शौक है। नहीं, पैशन और है, ये काफी इलाज इनका हो चुका है। परसों सारे डॉक्टर जो कॉमेडियन डॉक्टर थे वो सर जोड़कर इनके ऊपर खड़े हो गए। तो उन्होंने फिर फैसला किया, इनकी जो कॉमेडी रिपोर्ट आई है उसमें आया है कि इनका ऑपरेशन नाकाम हुआ है। और डॉक्टर ने बाहर निकल के दस्ताने उतार के कहा है कि आई एम सॉरी, इनका इलाज लाहौर में नहीं है, इनको आउटडोर ले जाए। और इन्होंने एक्सरे भी हुए ने, वो भी फिके फिके ही आए ने। अच्छा, जी दूर तक नहीं कॉमेडी नजर आ रही। एक्सरे से चौसा आया ना। मिर्जा साहब का मतलब है कि his passion took over his shock. अच्छा, नहीं, अल्लाह के किसी उनका ये मतलब हरगिज नहीं था, took over his shock. उनको नहीं पता इस बात का। उनके कहने का मतलब है जो उनका जुनून था ना, वो उनके शौक से जीत गया। बिना देखना एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब लोग सिर्फ बातें करते रह जाएंगे, इंक्लूडिंग नासिर साहब, और मिर्जा साहब का अपना प्राइवेट जेट होगा और वो उसे धो रहे होंगे। असल गल है कि मिर्जा साहब वाकई सुरीले आदमी ने। मिर्जा साहब सीखना चाहिए सी। गाना इन्हें आंदा है। yes, yes. लेकिन अगर सीखते ना गाना किसी उस्ताद को दो चार महीने साल लांदे ना। क्यों नहीं सीखा आप? बस कुछ जाती वजूहत थी कुछ। नहीं, शायद इनका ब्रेड एंड बटर जो है ये एक्टिंग है। ऑब्वियसली असल में तो इनका बटर के साथ कोई तल्लक नहीं है। इनका बटर के साथ नहीं, इनका गटर के साथ ताल्लुक जरूर है। और बिना देखना एक दिन आएगा कि ये सब लोग सिर्फ बातें करते रह जाएंगे और मिर्जा साहब का अपना अल्लाह प्यारे हो जाएंगे। जी अगला सवाल कौन करेंगे और किन से करेंगे? मेरा नाम अली अब्बास एडवोकेट है। मेरा सवाल अजहर रंगीला साहब से है कि आप इतनी लंबी बात क्यों करते हो? आपको शर्म नहीं आती? डूब के मर जाओ। ये जवाब बात करते हो। मुझे सवाल ऑडियंस भी कहना शुरू हो गई है। हैं? कितनी बार तुम्हें समझाया है झाटा बूट के मैं तुम्हारा भाग जाऊंगा फिर ठीक रहोगे? फिर कहोगे मेरा झाटा लेके कौन गया है, मेरा झाटा झाटा पट कौन लेके गया है? दो जवाब ऑडियंस का। अरे मैंने सारी जुगतें उर्दू में भी कर दी। क्या बात है, आपने झाटे की उर्दू नहीं की ना। अगर आप झाटे से फारिग हो गए तो मैं बात कर लूं। एक्चुअली लंबी गल करदे ने, एक ब्याह ते गए ने, तेल मेहंदी ते गल शुरू की थी। अच्छा जी, वलीमा हो गया वही गल कर रहे हैं। असल में बात ये है भाई, एक दफा ऐसा हुआ था है? मेरी दादी ने कुछ कहा था। हाँ शुरू करें। इतने तुसी हट नहीं हो जिनी तुहाडी दादी हो गई है। अनकरीब सुनो, तुहाडी दादी ते सू करना। खैर कोई ऐसी बात, हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ, दादी हर शो में आ जाती है।
असल गल है वे के देखो अगर मैं गल इस तरह ना करा तो गल नहीं बनती और मेरी हर गल कोशिश होंगी है कि मैं थोड़ी गल के मुताबिक गल कर सकता और गल माहौल के मुताबिक करनी चाहिए है जो भी हो चुके है मैं माफी चाहना अगर तुम मेरी गल लंबी लगी है आज भी जो कुछ हो रहा है तेन पता अद्धे बच्चे चले गए बाहर आई होप यू गॉट योर आंसर जी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम लारेब है मेरा सवाल नासिर चिन्योटी साहब से है क्या आप चढ़ते पंजाब के फनकारों को मस्तिया शो में लाना चाहेंगे जी असं कोशिश कर रहे हैं कि साढ़े ईद शो दे विच वो आर्टिस्ट आएंगे हाँ जी एक तो है उन्होंने कि प्रोग्राम उन्होंने पाकिस्तान आने का है कि वीजा का कोई मसला है अगर फर्ज करो अगर इतने नहीं आ सकते तो इंशाल्लाह असं उन्होंने लाइव लवेंगे उतों अपने शो ले जी अगला सवाल किसका है मेरा उकाशा मैम से ये क्वेश्चन है कि आपको अपने ट्रैवलॉग में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर मस्तियाँ शो में देखिए मिर्ज़ा साहब की तरह मैं भी ये कहूँगी कि ट्रैवलिंग मेरा शौक है और मस्तियाँ मेरा पैशन वैसे उकाशा आई कैन रिलेट इट टू यू ट्रैवलिंग खास तौर पे बाय रोड ट्रैवल करना बहुत मजा होता है इट्स सो मच फन आई वुड ऑलवेज प्रेफर बाय रोड अच्छा मुझे भी ट्रैवलिंग में आसानी ज्यादा नहीं पसंद मुझे होता है कि आप रुक रुक के जा रहे हैं हां कोई रोक रहे हैं थले आओ सारे थले आओ हां जी सर कहां से सुनो टीवी अच्छा चलो तो भाज के उतर चढ़ जाना तो बस मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है और मस्तियां शो हो या कोई भी शो मुझे होता है कि मुझे परफॉर्म करने का मार्जिन मिलना चाहिए और जब मिलता है तो मैं खुश मतलब परफॉर्म करने का मार्जिन मिले मस्तियां के अलावा कहीं और मिले तो वहां पे भी एंजॉय करोगी यू विल नॉट मिस अस जहां भी अल्लाह ताला ने लिख दिया इंशाल्लाह वहां जाएंगे बड़ा दुआई जैसा शो हो गया जी ये तो थी हमारी हाजिर ऑडियंस जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनके क्वेश्चन लेकिन हमारे वो व्यूअर्स जो सोशल मीडिया पे हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं उनके पास भी हमारे लिए कुछ फीडबैक है कुछ क्वेश्चन हैं क्या है आज फीडबैक हमारे लिए उस्मान मलिक ने हमें कमेंट किया है दुबई से और वो ये कहते हैं कि मस्तियां शो जब भी देखते हैं अगर मूड खराब भी हो तो फेस पर स्माइल आ जाती है और उनका ये भी कहना है कि उन्हें ये समझ नहीं आती कि अयूब मिर्जा साहब को इतना ट्रोल क्यों किया जाता है मिर्जा साहब को सबसे ज्यादा ट्रोल तो काशा करती है यू हैव टू आंसर मैं ट्रोल नहीं करती और लोग उसी के बारे में बात करते हैं जिसमें कोई बात होती है आई थिंक मिर्जा साहब में कोई बात है वो बस मिल नहीं रही या वो बात मिल नहीं रही या उसको आ नहीं रही तो मेरे तो सब आप बताए ना आपने क्या बात देखिए मैं अपने मुंह से मियां मिठू बनता अच्छा तो नहीं लगता अगर तुम मियां मिठू बने ना मैं तुम्हें जहर खिला दूंगा मिर्जा साहब आप रेवन मिठू में पता देखिए कॉमेडी मेरा मिशन है और ये मिशन इम्पॉसिबल है हो सकता है इसी मिशन के दौरान आपको मार दिया जाए और ये बात मिशन है जिसका पार्ट टू नहीं बनेगा लोगों के चेहरों पे खुशियां बखेरना और उनके आंसू चुराना ये मेरा मिशन है और ये आंसू भी चुरा लेता है और उनका पर्स भी चुरा लेता है जी अगला कमेंट किसका है अगला कमेंट उमेर का है और ये वहीद लाला के लिए है उमेर का कहना है कि उनके बच्चों को वहीद लाला का बाबा वांगा वाला किरदार बहुत ज्यादा पसंद है मुझे बड़ी खुशी है आपको इतना अच्छा लगता अच्छा आई मस्ट एडमिट हियर मेरी एक आंट आई हुई थी पिछले दिनों उन्होंने मुझे कहा वो जो आप लोगों के शो में एक लड़का है ना दैट बॉय लाला मैंने कहा हाँ सो अमेजिंग वो हर कैरेक्टर इतना परफेक्ट कैसे कर लेता है हाउ डज ही डू दैट वो ना करे तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे दैट्स व्हाई ही डू दैट चलें जी अगला कमेंट किसका है अगला कमेंट आसिफ अली का है और वो ये कह रहे हैं कि आप लोग किसी दिन मीरा जी को भी शो में एज अ गेस्ट बुलवाएं हां ये मीरा जी नहीं नहीं मेरे ख्याल से आ जाएंगी बहुत जल्द बिना मक्खी बहुत तंग कर रही है कैसा स्टूडियो तुम्हारा तुसी मेरे ख्याल बाजी घोड़ा का शरबत भी आए हो बिना ये जो बड़े मुंह वाला है मेरा कैमरा लेने की कोशिश टाइम टू से गुड बाय टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अंटिल वी मीट अप नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़